आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण एवं सचिवालय के सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो समस्त श्री सुनील लखेड़ा जी समेत जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को और आप सब लोगों को भी जिन्होंने ये शानदार कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान जो नवनिर्वाचित सचिवालय संघ है, अधिकतर निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जैसा आप सब लोगों ने बताया कि वो सारे के सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। और जब हम उपाध्यक्ष जी का भाषण सुन रहे थे तो उनके भाषण में जो दर्द दिख रहा था, जो एक पीस दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं इन राज्य को बनाने में जिन सपनों और जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व लगाया, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी जिस बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारा जो है उत्तराखंड का हमारे सचिवालय से प्रारंभ होगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है, उन लोगों को राज्य के विकास एवं दूरदराज के आम जनमानस की चिंता होना स्वाभाविक है। और मेरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे। और जो हमारा सचिवालय है वो सुशासन की एक नींव गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो हमारा सचिवालय करता है, जैसा राधा रतूड़ जी ने भी कहा और आनंद मर्दन जी ने भी कहा, दोनों का अपना अपना अनुभव है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से एक कार्य संस्कृति जो भी हम सब लोगों के कार्य व्यवहार से, हमारे कार्यकुशलता से जो आगे बढ़ती है या लोगों के बीच में परिलक्षित होती है, उसके कारण से पूरे राज्य के अंदर एक जो वर्क कल्चर है वो जरूर कहीं ना कहीं विकसित होता है। इसलिए और सचिवालय हमारे जो सारे संस्थान हैं, सारे हमारे संगठन हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करने के या कर्मचारियों को चलाने के, उन सब में अगर कोई मॉडल बन सकता है तो हमारा वो सचिवालय का, जो सचिवालय संघ में जितने लोग काम करते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, उनके माध्यम से निश्चित रूप से एक संदेश और एक कार्य व्यवहार प्रचारित भी होना चाहिए, प्रसारित भी होना चाहिए और कार्य व्यवहार में भी आना चाहिए। इसकी अगर सबसे ज़्यादा दायित्व किसी का है तो मैं सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा दायित्व आप सबका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के बीच से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जो हमारी समस्त योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी धरातल पर उतार कर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे सचिवालय के कर्मचारियों की है, अन्य कर्मचारी संघों की है, अन्य कार्मिकों की है। और संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोगों के प्रति जवाबदेही सुशासन हमारी सरकार का, आपकी सरकार का, क्योंकि सरकार सबकी होती है, आपकी सरकार है, उसका मुख्य ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति में हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हमेशा ये कहना रहता है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, उन लोगों की बहुत अपेक्षाएँ हैं जो सचिवालय तक पहुँचते हैं, प्रदेश के दूर दराज से आते हैं, जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा इस सचिवालय से लोगों की सहायता के लिए जो काम हो सकते हैं उनका लाभ पहुंचाकर उन्हें राहत देने के लिए और अधिक संवेदनशील होकर और अधिक पेन लेकर, जिसको मैं कहता हूँ, और एक तरह से कई बार ऑनरशिप लेकर हम सबको काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत सारे लोग, जैसे अभी राकेश जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी,
या हमारी कार्यकारिणी के लोग और सचिवालय के अधिकांश लोग बहुत पेन लेकर काम करते हैं, और जो पेन लेकर काम करते हैं, पेन लेने के बाद जब लोगों के काम को वो संपादित कर देते हैं या संपन्न करवा देते हैं, तो आप स्वयं सोचिए जब जब आपने ऐसा किया होगा तब तक आपको कितनी संतुष्टि हुई होगी। वो संतुष्टि किसी से तोली नहीं जा सकती है, उसका कोई मोल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो केवल समय ही पास करते रहते हैं, समय ही काटते रहते हैं। समय तो सबका सीमित है, वो तो पूरा होना ही होना है, क्यों डांगी जी? अगर काम करें तो भी पूरा होना है, और काम नहीं करेंगे तो भी समय चलना ही चलना है। समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, समय लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए हमारे लिए एक एक पल और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये ध्यान में रखते हुए कि भाई हम अगर 9 बजे सचिवालय में आ जाते हैं, 5 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, तो इस दिन का हमारा आउटपुट क्या है? सचिवालय से जब हम रिटायर होकर जाएंगे तो हमसे कभी हमारे घर के बच्चे, बेटा बेटी कभी अगर पूछ लें कि पापा मम्मी आपने तो सचिवालय में तमाम सारे जो है पोस्टों पर काम किया, तमाम सारे विभागों में काम किया, और मैं ऐसा जानता हूँ कि सचिवालय में जब हम आते होंगे और आने के बाद 25 साल 30 साल 35 साल काम करते होंगे, तो ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें कि एक विभाग से दूसरे विभाग में न गए हों, तीसरे विभाग में न गए हों। एक लंबा जो अनुभव होता है हर विभाग में काम करने का, वो हमको होता है। तो हमसे अगर वो पूछ लें कि आपने इतने साल काम किया, आप अपने बताइए कि आपने क्या ऐसा विशिष्ट काम किया है, कोई आप बता सकते हैं क्या? तो उस समय हमारे पास बताने के लिए ज़रूर होना चाहिए कि हमने ये काम किया। और मैं आप सबसे वही कहना चाहता हूँ कि सचिवालय के हितों के लिए, सचिवालय के समस्त अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के और सचिवालय के संघ के साथ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ बहुत बार कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थिति आ जाती है, और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ, और नई कार्यकारिणी तो बहुत ही सहृदयी हैं, लोग बहुत ही मतलब उदार भी हैं, और पहले दिन से ही जब से इनका निर्वाचन हुआ था तभी से आप लोगों ने लगातार संवाद बनाया है, और हम लोग मिलकर, कोई ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाले में बैठे हैं, आप लोग नीचे वाले में बैठे हैं या बगल में बैठे हैं, तो ये कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं है। ये सरकार भी आपकी है, वो भी आपका है, ये भी आपका है, और ये राज्य भी हमारा है। हम सब एक साथ मिलकर राज्य के लिए भी काम करना है, क्योंकि हमसे राज्यवासियों की बहुत अपेक्षाएं हैं। ये राज्य बड़ी संघर्ष से, बड़े आंदोलन से, लोगों की शहादत से बना है, और अब इस समय राज्य के अंदर जो एक कार्य संस्कृति लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमारा तभी सफल होगा जब उसमें सबकी सहभागिता होगी। मैं जब कहता हूँ कि विकल्प रहित संकल्प लेकर हमें उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में राज्य को शामिल करना है, या उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाना है, एक मॉडल राज्य बनाना है, तो ये मॉडल राज्य, ये आदर्श राज्य, ये अग्रणी राज्य, श्रेष्ठ राज्य, ये तभी बनेगा जब हम सब लोग जो ये यात्रा है, इस यात्रा के सब लोग सहयात्री बनेंगे। ये मैं कह जरूर रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्य सेवक की मेरे पास जिम्मेदारी है, प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस यात्रा में मुझे आगे किया हुआ है, लेकिन ये यात्रा केवल मेरे अकेले की यात्रा नहीं है, ये मेरे अकेले करने से भी नहीं होने वाला है। जब तक पूरे उत्तराखंड की लोगों की मनोभावना इसमें जुड़ी ना हो, हमारे कर्मचारी अधिकारियों की मनोभावना न जुड़ी हो, सचिवालय संघ है, हमारे अन्य कर्मचारी संघ हैं, सारे के सारे लोग उसमें जुटकर, कई बार बहुत बातें आती हैं, हमारा भी मन होता है जब जब सचिवालय के लोग हों या हमारे कर्मचारी संगठनों के लोग हों या अन्य संगठनों के लोग हों आते हैं, हम भी सोचते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान कर दें, सारी चीज़ें पूरी कर दें, लेकिन आप सब जानते हैं राज्य की व्यवस्थाएं भी होती हैं,
राज्य के अपने संसाधन हैं, उन सब पर भी हमको ध्यान देना है। हालांकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम GST कलेक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम अगले महीने 9 दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कर रहे हैं और पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोगों के बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं। तमाम प्रकार से हमने नीतियों में परिवर्तन किया है, नई नीतियाँ बनाई है। उसके पीछे हेतु है कि राज्य हमारा जो है हर प्रकार से तरक्की की ओर जाए, हर प्रकार से राज्य हमारा आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, और हमारे सभी अधिकारी भाई बहन, इन सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और कर्मचारी हितों में जो भी काम होंगे हम उन्हें समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे बताया कि कई लोग इसमें निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर इतना बड़ा विश्वास सब लोगों ने किया है, इस तरह पदाधिकारियों का निर्वाचित होना बहुत खुशी की बात है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भी एक संदेश जाएगा कि राज्य की जो सर्वोच्च संस्था है उसमें बैठे अधिकारी कर्मचारी अपने प्रतिनिधियों के चयन में विश्वास एवं उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित करते हैं। मैं सभी को पुनः निर्वाचित हुए और निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी बंधुओं को, सभी बहनों को, सबको बहुत सरकार की ओर से, अपनी ओर से, उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत बधाई देता हूं। और आप सब लोगों ने कुछ बातें यहां पर करी हैं, तो मैं कुछ बातें जिसका अभी हमने ये सोचा है कि इसको तुरंत ही करना है, जैसे कि सरकारी सचिवालय कर्मचारी कल्याण कोष, इसमें 30 लाख रुपए की धनराशि ऐसे इसको प्रारंभ किया जाएगा, इसको मैं यहाँ पर अभी कह रहा हूँ आपके सामने। इसी प्रकार जो उपार्जित अवकाश की 300 दिनों के उपरांत 2 छमाही में प्राप्त होने वाले कुल 31 दिनों के उपार्जित अवकाश को अब कार्मिक अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसको कर पाएंगे, उसको अपनी स्वेच्छा। इसी प्रकार से बाल्य देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव पूर्व की भांति उसको जारी रखेंगे, उसको पूरा जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, इन सभी को हम लोग वित्त विभाग और हमारे वित्त मंत्री जी और ACS आनंद वर्धन जी देख लेंगे, और जो भी उसमें से मैक्सिमम हो सकता है या किया जा सकता है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर एक विजिटर रूम भी होना चाहिए यहाँ पर। अमन जी, कहीं ना कहीं लोग आते हैं बाहर से तो उनके बैठने के लिए कोई रूम नहीं है, एक विजिटर रूम भी बनाया जाए। इसकी भी मैं भी यहाँ से घोषणा करता हूँ कि विजिटर रूम बनाया जाए। और पिछले दिनों में सचिवालय में जब बच्चों का वहाँ पर बाल वाटिका प्रारंभ कर रहे थे तो कुछ बहनों ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो हमारे शौचालय हैं, ये स्थान है, काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, उनका साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखकर कैंटीन इत्यादि हमारी और अच्छी हो उसके लिए। और नई टेक्नोलॉजी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आज मातृ शक्ति के उत्थान के लिए महिला विधेयक जो पास हुआ है संसद के अंदर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, हमारी मातृशक्ति की ओर से उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय के कारण से सभी को, हमारी मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और हमारा राज्य तो अगर मैं कहूँ तो विशेष रूप से मातृशक्ति के द्वारा संचालित राज्य है। हमारे राज्य को चलाने में, राज्य को बनाने में, इस राज्य के आंदोलन में अगर किसी का सबसे बड़ा भूमिका रही है, सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो हमारी माताओं बहनों का रहा है। इसलिए उनके लिए, हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से सभी जगह से ज़्यादा हमारे लिए खुशी का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि शानदार, और भगवान इंद्रदेव भी आज प्रसन्न हो गए इस अवसर पर। इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं हॉल में कार्यक्रम न कराना पड़े, और यह भी हो रहा था कि बार बार इतनी ज़्यादा भीषण जो वर्षा हो रही है उसके कारण से कहीं व्यवधान नहीं होगा, लेकिन भगवान ने जो है धूल धूल दबाने के लिए और आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कि आप सब लोग और उत्साह से और ऊर्जा से काम करेंगे, आप सबकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग काम करते हैं, आप लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा संवाद बनाएंगे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा,
तो हम सब लोग मिलकर राज्य को आगे ले जाएंगे। राज्य हमारा चूंकि भगवान की कृपा से राज्य को सब प्रकार की प्राकृतिक जो प्रदत्त भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं। इतना अच्छा हमारा पर्यावरण है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और हर जगह देवों से आच्छादित है। ये राज्य अपने आप में अलग राज्य है, पूरे विश्व का एक ऐसा राज्य उत्तराखंड ही है जहाँ जिधर देखिए एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देता है, जिधर देखिए एक नया स्थान दिखाई देता है। लोग जिधर जाएं, जिधर भी बाहर के लोग जाएं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से जाते हैं। तो इस राज्य की सेवा करना, इस राज्य में जन्म लेना और जिन्होंने जन्म ले लिया है इस राज्य में कर्म करने का भगवान ने सौभाग्य प्राप्त किया है, सौभाग्य दिया है, तो ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो मैं आज के अवसर पर पुनः एक बार पूरी कार्यकारिणी को और आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।